हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के जो स्रोत को शॉर्ट ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए भारतीय संविधान के स्रोत की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 का है, क्योंकि इस अधिनियम में भारतीय संविधान का लगभग 200 प्रावधान दिए गए। हम लोग गुलामी की अवस्था में जी रहे थे और उस समय अंग्रेजों का प्रभाव हम पर ज्यादा था, तो नो डाउट यहाँ पर 75% किससे लिए गए 1935 में। क्या क्या लिए गए जरा देखेंगे। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा, आपातकालीन उपवन, लोक सेवा आयोग और शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, ये किससे लिया गया, तो हमारे 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अब सवाल होता है हम कैसे याद करें, तो हमारे पास यह है कि हम कैसे याद करें, यह हमारे लिए दुविधा है। तो हम याद करने की कोशिश जो करेंगे इसी शब्द से, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही हम पूरा का पूरा देखने की कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ये भारतीय शब्द से हम क्या ले सकते हैं, तो भारतीयों का संघ, कि भारतीय से हम क्या याद करें, भारतीयों का संघ माने संघीय व्यवस्था याद हो गया। अब दूसरा शब्द होता है शासन, शासन हम पर कौन करता है, हमारे यहाँ पर शासन गवर्नर करता है और ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट नौकर साहब जिसको हम लोग पीएससी से चुन के जाते हैं माने पब्लिक सर्विस कमीशन। तो शासन शब्द से 2 चीज आ गया, एक तो राज्यपाल की ऑफिस, राज्यपाल का ऑफिस, गवर्नर का ऑफिस और संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये शासन से आ गया। अब अधिनियम से मैं क्या याद कर सकता हूँ, अधि, अधि माने क्या होता है, अधि माने नीचे, अधि माने नीचे और नियम, और नियम कानून कौन बनाता है, ये सब नियम का हम सुप्रीम कोर्ट बनाता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अधि से याद करवाया, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो आप इससे याद कर सकती हो क्या, आप न्यायपालिका, न्यायपालिका का ढांचा जो याद कर सकते हो। अब आता है यम, यम माने क्या होगा, यमराज से याद करो, यमराज कब आते हैं, आपातकाल में आते हैं ना, तो आपातकालीन उपबंध जब आएगा, आपातकालीन उपबंध तो आप लगाइए 1935। एक आपातकाल का और है, आपातकाल में जो आपका मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं वो अभी तक जर्मनी से लिया गया, वो तब है आपातकाल में जो मौलिक अधिकार छीने जाते हैं अधिनियम, वो राइट्स जर्मनी से लिया गया, और जो आपातकाल का जो प्रावधान है 1935 से लिया गया। अब 1935 में क्या याद कर सकता हूं, 1935 में जो 3 शब्द है उससे एक चीज बन सकता है, 3 माने 3 सूची, कौन कौन सी है, संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं ब्रिटेन का संविधान। अब हमारे सामने आता है कि हम ब्रिटेन के संविधान से हम क्या क्या याद करें, क्या क्या लिया गया, तो संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व, एकल नागरिकता, परमाधिकार रिटे, द्विसदनवाद और संसदीय विशेष अधिकार। संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, ये सब राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक नाम मात्र का मतलब राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है ना हमारे यहाँ पर, एकल नागरिकता, परमाधिकार रिटे और द्विसदन व्यवस्था और संसदीय विशेष अधिकार, ये सारी चीज को हम कैसे याद रख सकते हैं, तो आपको याद रखना होगा, समझना होगा कि ब्रिटेन, ब्रिटेन हम भारत क्या था, ब्रिटेन का गुलाम था, और एक चीज है जब जो गुलाम होता था मालिक का कुछ ना कुछ अंश तो ले लेता है, तो सबसे पहले ब्रिटेन में क्या प्रणाली, इसको एक नजर देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। हम अगर ब्रिटेन की चले तो ब्रिटेन में आज भी राजा रानी होते हैं, यद्यपि राजा रानी वंशानुगत चले आ रहे नाम मात्र के होते हैं, ये आज उसी प्रकार हमने भी राष्ट्रपति को नाम मात्र बना दिया गया, ऐसे ही समझने की कोशिश करो। यहाँ का संसद बोला जाए, यहाँ का संसद जो पार्लियामेंट, इसका मेन होता है प्रधानमंत्री, और जो मंत्रिमंडल जो होता है संसदीय, इसी को बोलते हैं संसदीय व्यवस्था, तो ठीक इसी प्रकार जो यहाँ का प्रधानमंत्री जो होता है मुख्य होता है, जो राजा रानी नाम मात्र के होते हैं, तो ठीक उसी को अपनाया किसने, भारत ने, क्योंकि 200 वर्षों तक भारत क्या था, ब्रिटेन का गुलाम था। हम अगर इसको याद करने की कोशिश करें तो संसद किससे मिलकर बनता है, संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जो संसद लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलकर बनता है अर्थात संसदीय प्रणाली, इसी को बोला जाता है संसदीय प्रणाली, तो कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। राष्ट्रपति हमारे यहाँ का नाम मात्र का है, जिस प्रकार वर्तमान में इंग्लैंड का जो राजा रानी नाम मात्र के होते हैं, ठीक हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति भी नाम मात्र के होते हैं, किससे लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। लोकसभा और राज्यसभा कितने सदन है, द्विसदनीय है, तो द्विसदनीय व्यवस्था किससे लिया गया, नो डाउट हम ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा
लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर जो सरकार बनती है जिसको हम तो मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल पद्धति किससे लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। जो इसमें जो विधेयक रखा जाता है, विधेयक माने लोकसभा में रखो या राज्यसभा में, जहां भी विधेयक रखा जाएगा और राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर दिया जाता है तो कानून बन जाता है। तो जो विधेयक वाला जो है, विधेयकी जो अधिकार है, विधेयकों का जो हम लोग विधेयकों को रखते हैं, एक विशेषाधिकार या विधेयकों का विधायी प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, ये किससे लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। अब बचता एकल नागरिक, एकल नागरिकता कौन सा अधिकार, परमाधिकार रिट है, अधिकार प्राप्त है। तो बस ये सब आ जाएगा तो हम किससे लिए हैं, ब्रिटेन से, जो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं अमेरिका के संविधान से। अमेरिका का संविधान से हमने मूल अधिकार लिए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति का पद, ये सारे के सारे चीज हमने क्या किया, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। कैसे याद करें, देखो अमेरिका को समझो, अमेरिका में जो है अध्यक्षीय व्यवस्था, अध्यक्षीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जहां पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का रोल होता है, राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है और प्रधानमंत्री का कोई पद होता ही नहीं है। तो मैं कैसे याद करूं, उपराष्ट्रपति पद किससे लिया गया, अमेरिका से लिया गया। यहां का राष्ट्रपति प्रधान होता, मेन होता, महान होता है। महान से मैं क्या याद करूंगा, महाभियोग की जो प्रक्रिया जो ली है, अपनाई गई, किससे लिया गया, अमेरिका से लिया गया। और ये जो अमेरिका जो है महाशक्ति बना हुआ है, महाशक्ति सबका न्यायाधीश, जो भी न्याय करता, माने पूरे विश्व का न्याय तो यही करता है और बोलता है ये मेरा मूल अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। इस प्रकार तो मूल अधिकार किससे लिया गया, हम अमेरिका से लिया गया। और न्याय से संबंधित जो भी शब्द आए, अर्थात न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति का महाभियोग और उप जितने भी जो न्याय से संबंधित होगा, ये आप क्या लगा सकती हो, ये आप आंख मूंछ के अमेरिका लगा सकती हो। इस प्रकार आपको याद हो जाएगा कि भाई अमेरिका से क्या लिए। अब हम चलते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राज्यसभा में जो 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं ना, यहाँ पर वो किससे लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। और नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, जो हमारे यहाँ पर नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, ये जो है ये किससे लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसी होती, अप्रत्यक्ष होती ना हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन, किससे लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। कैसे याद करें, देखो आयरलैंड, आयर माने हायर, आयर माने हायर, हायर पर्सन कौन है, वही पाया 12 लोग जो कला से आते हैं, संगीत से आते हैं, खेल से आते हैं, सचिन तेंदुलकर खेल से संबंधित है ना, और राज्यसभा में जब हम चयनित हुआ, राज्यसभा के लिए चुना गया यहाँ पर। तो आप ऐसे याद कर सकती हो, राज्यसभा में नामांकन पूछे 12 लोगों का, किससे हुआ, आयरलैंड, हायर पर्सन है। और हायर पर्सन अपने अपने में नीति में निपुण, कोई खेल में नीति निपुण है, कोई कोई संगीत में सिद्धांत सिद्ध हस्त है। तो ऐसे जो नीति निर्देशक सिद्धांत किससे लिया गया, हायर माने आयरलैंड से लिया गया है। और एक चीज, इसमें कौन निर्वाचन करता है, इन लोगों का राष्ट्रपति निर्वाचन करते ना, तो खुद राष्ट्रपति निर्वाचन कौन, 12 लोगों का नॉमिनेट कौन करता, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति किससे लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। एक चीज देखो और आसानी से याद करो। अब आता है कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय का परामर्श दाती न्याय निर्णयन और अपशिष्ट शक्तियां केंद्र में नियुक्त होना। एक बार केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र करता है। सशक्त केंद्र और संघीय व्यवस्था में राज्यों की शक्ति कम और केंद्र शक्ति ज्यादा दी गई है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, हाँ, उच्चतम न्यायालय जो राष्ट्रपति क्या मांग सकता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, ये किससे लिया गया, कनाडा से लिया गया। अपशिष्ट शक्तियां तीन सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अगर मान लो कोई नया विषय उत्पन्न हो जाए तो किसमें निहित होगी, ये केंद्र में निहित हो जाएगी, अर्थात राष्ट्रपति को चली जाएगी। किससे लिया गया, कनाडा से लिया गया। कैसे याद करूं, तो कनाडा, कनाडा से मैं अक्का को अगर काट दूं तो यहाँ पर नाडा बन जाता है। नाडा से दो शब्द आते हैं, एक आता है नड्डा, खाई होना नड्डा क्या है, बेसन के संग, मैंने संघात्मक व्यवस्था पूछे तो आप कनाडा लगा देना। और नाडा से एक और इसमें बिंदी लगा दूं तो बन जाएगा नाड़ा, और क से बना दूं तो क से बन जाएगा केंद्र। केंद्र का नाड़ा कौन है, राज्यपाल, अर्थात जब देखो राज्यपाल को नियुक्ति कौन, केंद्र करता है ना, राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र करता है। इससे लिया हूं क्योंकि केंद्र का नाड़ा है, जब देखो नियुक्ति करे, जब देखो हटा दे, ऐसे करके याद करना तो आसानी से याद हो जाएगा।
कनाडा। अब केंद्र के पास क्या होता है, क्योंकि राज्यपाल को नियुक्ति कर रहा केंद्र के पास अपार शक्ति है, तो अपशिष्ट शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास, किससे लिया गया, कनाडा से लिया गया। राज्यपाल केवल किसको, केंद्र को परामर्श देता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्श राष्ट्रपति को देने का अधिकार किससे लिया गया, कनाडा से लिया गया। कुछ इस प्रकार का याद करें, आसानी से याद हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं फ्रांस का संविधान। फ्रांस से हमने क्या लिया, गणतंत्रात्मक ढांचा और स्वतंत्रता समता और बंधुत्व का आदर्श। स्वतंत्रता समता और बंधुत्व का आदर्श हमने किससे लिया है, तो हमने फ्रांस से उठाया है। कैसे याद करें, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, फ्रांस माने अफा, इसको हटा दो ये फांस आ जाता है, फांस माने क्या हो जाता है, फंदा। फांस माने क्या हो जाता है, फंदा। बोला जाता है पब्लिक, पब्लिक पूरा जो राजनीति है ना, पब्लिक को पूरा फांस बना दिया, फंदा बना दिया, ऐसे याद करना। फंदा कौन है, पब्लिक है, तो पब्लिक से आएगा रिपब्लिक। रिपब्लिक बोलते हैं गणतंत्र, गणतंत्र व्यवस्था किससे लिया गया, फ्रांस से लिया गया। भाई फंदा लगा तो पब्लिक का गले का फंदा, माने लाइफ का खतरा हो जाता है, और लाइफ का खतरा हो जाएगा तो एल से क्या याद करो, एल से लिबर्टी। लिबर्टी हमने किससे लिया, तो हम फ्रांस से लिया। और ई से याद करो इक्वलिटी, इक्वलिटी हम ले लिया। और एफ से क्या हो याद करो, फ्रीटर्निटी, फ्रीटर्निटी याद किया। मतलब हो जाएगा समता, ये स्वतंत्रता समता और बंधुता, ये आदर्श हमने किससे लिया, फ्रांस से लिया। आसानी से याद होगा। फिर हम लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया संविधान में समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक, और व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। हमने कहा ना तीन सूची होती है, राज्य सूची जहां पर राज्य कानून बनाती है, संघ सूची जहां केंद्र कानून बनाती है, और समवर्ती सूची जहां पर दोनों कानून बनाती है। ये समवर्ती सूची कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। जब भी लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक जो राष्ट्रपति बुलाता है, ये कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। तो चलो इसको याद कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया से ये दोनों काट दीजिए, ट्रे लीजिए। ट्रे कब काम आता है, जब भी दो लोग बैठे, जब भी बैठक हो तो क्या होता है, ट्रे काम आता है। चाय परोसोगे ना भाई, किसमें परोसोगे, ट्रे में परोसोगे। तो भाई जो अगर जो संयुक्त बैठक की बात किया जाए तो कहां जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ट्रे का काम आएगा। और ट्रे में क्या पेश करो, सूची पेश करो, चाय पेश करते हो, चाय के साथ सूची पेश करो। तो समवर्ती सूची जहां आए तो आप लगा दीजिए ऑस्ट्रेलिया। और कभी भी वाणिज्य और व्यापार की बात किया जाए, समागम की बात किया जाए, तो भी ट्रे की आवश्यकता ही होती है। इसके बाद हम देखते हैं जर्मनी। जर्मनी का जो है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, हमने कहा था 1935, मैंने कहा था 1935 से लिया गया था। किसको, आपातकाल को लिया गया था। एक 1935 में आपातकाल लिया गया था, और एक आपातकाल हम ले रहे हैं जर्मनी से। तो जर्मनी का जो आपातकाल है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, तो मूल अधिकार का स्थगन हो जाएगा, इसको लिया गया। कैसे याद करें, तो जर्मनी में आप ज और ऊपर वाला रकारा है इसको काट दीजिए, तो बन जाएगा मनी। मनी कब काम आता है, मनी इमरजेंसी के समय तो काम आता है, आपातकाल समय, आपातकाल के समय ही हमारा मनी ही काम आता है, बस याद हो जाएगा जर्मनी। अब हमारे सामने बचता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। क्या लिया गया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान में संशोधन प्रक्रिया। याद रखना, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, आप बोलोगे राज्यसभा के जो सदस्यों का नामांकन, बोले नामांकन आपके आते, जो 12 सदस्यों का जो नामांकन होता है वो आयरलैंड से लिया, हायर पर्सन लोग ना, हायर लोगों को लिया जाता था। अब यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना, 250 पद, 12 शब्द हो गए, 12 लोग नामांकित हो गए, बचे 238। ये जो होते हैं, इसका जो चुनाव अप्रत्यक्ष होता है इलेक्शन, वो राज्यसभा का दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और संविधान में जो संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कैसे याद करूं, दक्षिण अफ्रीका में द और आ को काट दो तो बन जाएगा फीका। राज्यसभा का जो चुनाव फीका होता है, क्यों, क्योंकि अप्रत्यक्ष होता है, याद रखना। फीका राज्यसभा किसका फीका चुनाव होता है, राज्यसभा का, आसानी से याद हो जाएगा। अप्रत्यक्ष है क्योंकि अप्रत्यक्ष होता है, तो भाई हमको क्या जरूरत होगी, इसको फीका को लाजवाब बनाना है, जायका लेना है, तो मेरे को संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। दोनों चीज आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास बचता है सोवियत संघ। सोवियत संघ से हमने क्या लिया, तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श हमने सोवियत संघ से लिया, और मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ से लिया। कैसे याद करें, सोवियत संघ याद रखना यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये कहा जाता है सोवियत संघ को। यूएसएसआर से ही याद करो, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट सोशलिस्ट रिपब्लिक, यहाँ पर क्योंकि उस समय बहुत बड़ा, जिस समय सोवियत संघ था उसमें बहुत सारे राज्य जो है अभी तक टूट गए हैं, तो भी सोवियत संघ बहुत बड़ा राज्य है, तो हम ऐसे याद करें
यू आर सर्वेंट, यू आर सर्वेंट, है ना। सर्वेंट लोग क्या करते रहते हैं, कर्तव्य ही तो करते रहते हैं, बस याद हो जाएगा यू आर सर्वेंट, सर्वेंट कर्तव्य करता है, तो जो मूल मौलिक कर्तव्य होगा वो सोवियत संघ का हो जाएगा। और सर्वेंट के पास ना सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय तो बेचारों को मिलता ही नहीं है, पूरा घिसटते रहते हैं, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय भी कहां लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया है। अब आता है जापान का संविधान। जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आपको अच्छी तरह से मालूम होते हैं जापानी क्या होते हैं, कानून को मानने वाले होते हैं, बस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछे तो क्या लगाओगे, जापान लगा दोगे। ठीक है, आप मेरा वीडियो को वॉच कर लो, करते हो, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।